हमने अभी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट और फ्लो uh, स्टेटमेंट देखी अब एट द एंड ऑफ द डे हमें इनकी एनालिसिस भी करना होती है तो लेट्स सी इन नेक्स्ट क्वेश्चन कि हम जो रेशो एनालिसिस हमने पढ़ी हैं अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी की रेशोज निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना है और कितनी रेशो हम निकाल सकते हैं जहाँ तक नंबर्स की बात तो नंबर्स में कोई लिमिट नहीं है यू कैन हैव इवन 50, 60 रेशोज़ इन वन सिंगल बैलेंस शीट लेकिन हमने देखना ये है कि जो हमारा सिलेबस का हिस्सा उस है उसमें कितनी कहें वही मैं आपको समझाऊँगा देखिए क्वेश्चन को देखें क्योंकि इसमें आपको इनकम स्टेटमेंट भी मिलेगी और बैलेंस शीट भी मिलेगी कॉस्ट ऑफ सेल्स है जिसको हम टर्न भी कहते हैं कास्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग स्टॉक है परचेज हैं क्लोजिंग स्टॉक है अब ये देखिए प्रॉपर इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है इसमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है अब रेशो निकालने के लिए कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं जी क्लोजिंग स्टॉक से निकाल ली जाए गलत नहीं है लेकिन अगर ओपनिंग और क्लोजिंग है तो फिर आपको एवरेज स्टॉक ही लेना चाहिए यू गॉट माई पॉइंट लेकिन अगर मजबूरी है कि आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग अलग अलग नहीं है क्लोजिंग ही है तो फिर आप उसी से निकाल लें लेकिन अगर दोनों हैं तो फिर एवरेज लेकर चलना पड़ेगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया इसमें से डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस निकाल दिए और डेप्रिसिएशन निकाल दी प्रॉफिट बिफ़ोर इंटरेस्ट इन टैक्स आ गया इंटरेस्ट एक्सपेंस निकाल दिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया टैक्सेशन निकाल दी नेट इनकम अवेलेबल टू द शेयर होल्डर्स इसमें से प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड निकाल दिया अच्छा ये देखिए प्रेफरेंस शेयर्स का अगर डिविडेंड है तो याद रखे अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए क्लियर है कि जो प्रॉफिट अवेलेबल टू तो दर्डनरी शेयर होल्डर्स है सिर्फ उसके ऊपर अर्निंग पर शेयर निकालनी है फर्ज कहीं सौ रुपये का प्रॉफिट है और दस रुपये आपने प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड निकाला है तो आपको नाइन्टी लेना है नाइन्टी से अर्निंग पर शेयर निकालने नेट इनकम टू बी रिटेन आ गई बैलेंस शीट को देखें करंट एसेट्स में कैश इन हैंड है स्टॉक में इन्वेंटरी है और ये क्लोजिंग इन्वेंटरी इन्वेंट्री कराएगी डेटर्स है प्री पेमेंट्स भी हैं अब प्री पेमेंट्स जो है ये आपने एडवांस में पे कर दिए हैं किसी बिल के अगेंस्ट या कुछ भी तो ये भी आपकी अवेलेबल नहीं है फंड्स आपको करंट एसेट्स में यानी आप इसको खर्च नहीं कर सकते तो करंट रेशो तो ठीक है लेकिन जब आप क्विक रेशो निकालते हैं तो आपको ये दो फिगरें इन्वेंट्री की भी और प्री पेमेंट्स की भी इनको माइनस करना पड़ेगा सिंपल इन्वेंट्री नहीं याद रखें क्योंकि फार्मूलाज में लिखा होता है करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस कर दें नो no, आपने प्री पेमेंट भी माइनस करनी है टोटल करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स हैं और उसके अगेंस्ट एप्रिसिएशन है टोटल एसेट्स आपके आ जाते हैं अब इसमें दूसरी साइड देखें बैलेंस शीट की करंट लाइबलिटीज़ अब देखिए ये ब्लॉक बना कर दे दिए ताकि आपको ढूंढनी ना पड़े नॉर्मली होता ये है कि वो मिक्सअप होता है तो आपको करंट एसेट्स करंट लाइब्रिटीज को अलग अलग करना पड़ता है लेकिन ये प्रॉपर बना के दिए ताकि आसानी से आप समझ जाए इसमें डिविडेंड पेएबल तक देखें टोटल करंट लाइबिलिटीज़ आपकी फोर मिलियन है प्रेफरेंस शेयर्स ये भी आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में शुमार होता है याद रखिए डिवेंचर लॉन्ग प्रेफरेंसर लाइबिलिटीज़ हैं प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी का हिस्सा नहीं है ये भी आपको स्टैंडर्ड से समझाई थी बात तो टोटल लॉन्ग टर्म डेट्स एंड नॉन करंट लाइबलिटीज़ ये आपके आगे थर्टी थ्री मिलियन की ओनर्स इक्विटी में ऑर्नरी शेयर्स हैं रिजर्व हैं और रिटेन प्रॉफिट्स हैं रिटेन प्रॉफिट ऑफ द ईयर है टोटल इक्विटी और आपकी बैलेंस शीट में लाइबलिटी और ओनर्स इक्विटी बराबर है अब देखिए ये ये नहीं आगे सवाल में आगे कुछ नहीं है मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट समझा दी और ये बनाई भी है हमने अभी पिछले अब देखना ये है कि इनसे कितनी रेशो में वर्कआउट कर सकते हैं कितनी मैक्सिमम निकाल सकते हैं मैंने जैसे कहा ना कि लिमिट कोई नहीं है लेकिन मैं चंद एक रेशो जिसमें से निकालवाता हूं हूँ आपसे और देखिएगा इन कि आपकी समझ में आ जाएगी थैंक यू